क्लास के स्टूडेंट त्रिकोणमिति फलन में आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने हाई स्कूल में पढ़े हुए उसके आधार पर इसमें सवाल हैं आपके एक्सरसाइज 3 में। 3 आपको मैंने बताया था रेडियन से डिग्री बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना, उसके आगे आपका एक्सरसाइज 3 उसमें आपको कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपको पता ही है हाई स्कूल पढ़ा होगा आपने साइन थीटा बराबर होता है आपका 1/2 कॉस एफ थीटा, दूसरा है कॉस थीटा बराबर 1/2 सेक थीटा, तीसरा है आपका टेन थीटा बराबर होता है आपका 1/2 कॉस थीटा, इसके अगर फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फोर्थ नंबर का होता है आपका कॉस थीटा जो होता है 1/2 टेन थीटा, हो जाएंगे आपके कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, अगला है sec theta, sec theta बराबर होता है 1/2 cos theta और cos theta बराबर होता है 1/2 sin theta। इसके अलावा आपको एक और फॉर्मूला है इसमें sin square theta plus के cos square theta बराबर 1, यहाँ से हम sin square theta की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 के cos square theta और कॉस को डीटा होता है आपका 1 के साइन स्क्वायर डीटा। इसके और भी फॉर्मूले हैं जैसे आपको रखा है 1+ के कॉट स्क्वायर डीटा हो रहा होता है आपका कॉसैक स्क्वायर डीटा, ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है आपका टेन स्क्वायर डीटा प्लस के 1 सैक स्क्वायर डीटा। इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन है आपको सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। जैसे कि देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है यदि साइन ए प्लस के कॉस ए के बराबर 2 तो सिद्ध करो साइन एन प्लस के ए कॉस ए की पावर एन ए बराबर 2, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में देखो आपको रखा है साइन ए प्लस के कॉस ए के बराबर 2, तो साइन ए कॉस ए को चेंज कर दिया 1/2 साइन ए बराबर 2, इसका कैल्सियम ले दिया साइन ए आया, जाएंगे यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस के 1/2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के 1/2 साइन ए, इसको हम इधर ले आएंगे ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, अरे साइन स्क्वायर ए माइनस के 2 साइन ए प्लस के 1/0, जो पूरा बन जाएगा आपका साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, वैल्यू निकल आएगी आपके यहाँ से साइन ए 1, ठीक है। हमें दिया गया था साइन ए साइन की पावर एन ए प्लस कॉस ए की पावर एन ए, इसका आपको मान बताना था, करेंगे साइन की पावर एन ए प्लस के 1/2 साइन की पावर एन ए, यहाँ से जाएगा 1 की पावर n प्लस के 1/2 1 की पावर n बराबर 1+ इसको टू यानी, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। आपका एक इसमें क्वेश्चन है देखिए ब्रैकेट नंबर साइन ए प्लस के आपको रखा है साइन ए साइन का प्लस के कॉस थीटा प्लस के 1+ कॉस थीटा क्या पैसे ले लेंगे 1+ के कॉस थीटा और साइन थीटा, तो आएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 1+ के कॉस का थीटा, यहाँ से खोल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा ऐसे खोल लेंगे 1+ के
cos theta को plus के 2 cos theta divided by 1 plus के cos theta और sin theta, ठीक है? यहाँ पर आएंगे आपके sin square theta plus के cos square theta plus के 1 plus के 2 cos theta divided by आएगा आपका 1 plus के cos theta और sin theta, इसके अलावा भी 1 प्लस के 1 प्लस के 2 cos theta डिवाइड में 1 प्लस के cos theta और sin theta, एक और एक दो 2 प्लस के 2 cos theta डिवाइड में 1 प्लस के cos theta sin theta, दो कॉमन ले लो 1 प्लस के cos theta 1 प्लस के cos theta sin theta, यहां से लेकर जाएंगे 2 बटे sin theta रहेंगे 2 cos theta। तो इस प्रकार से इसमें आपके प्रीवियस यानी हाई स्कूल के काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसी अगर अलग एक्सरसाइज है आपको सॉल्व करनी है।